गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी को मेरी आवाज आ रही है मेरी आवाज आ रही है सभी को इज एवरीथिंग क्लियर बहुत कम लाइव नंबर्स हैं भाई क्योंकि सभी को पता है ये यूपी का पेपर होता तो अब तक झड़ी लग गई होती है ना ये हरियाणा का पेपर है और 10 तारीख को 10 सितंबर को एच हरियाणा पीजीटी बायोलॉजी का पेपर है तो हम सोच रहे हैं कि दो चार जो इनका प्रीवियस ईयर पेपर है वो करा दें ताकि इनको आइडिया लग जाए कि हमारे पेपर कैसे आते हैं दस सेप्टेम्बर को पेपर है ठीक है ठीक है, ओके डन चलिए स्टार्ट करते हैं बाकी सभी को पता है एक नया बैच लॉन्च हुआ है जिसका नाम है सुप्रीम 2.0 बैच और ये 11 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है ऑल स्टेट बायोलॉजी सभी को यहां पे कवर किया जाएगा 10 ए एम मॉर्निंग से क्लासेस चलेंगी इसमें और इसकी फी फाइव थाउजेंड है डूरेशन 15 मंथ है लेकिन ये 5 सितंबर से 6 सितंबर बढ़ा के 6 सितंबर आप लोगों की डिमांड पे आज तक आज तक इसकी फी 4000 है है ना ठीक है रोहन करा देंगे देखते हैं आज तक इसकी जो फी है वो 4000 है तो आ, आज आज तक जो लोग भी एडमिशन लेंगे 4000 में हो जाएगा बाकी कल से इसकी फी 5000 है ऑफ़र पीरियड चल रहा था ये ठीक है तो ये न्यू बैच है बेस्ट बैच होगा बाकी अगर किसी को कंप्लीट बैच चाहिए लगभग पंचानवे परसेंट सिलेबस कंप्लीट हो गया है सुप्रीम जो ओल्ड सुप्रीम बैच है अगर किसी को तुरंत पढ़ना है और जल्दी कवर करना है तो वो ओल्ड सुप्रीम बैच ले सकता है उसमें पंचानवे परसेंट सिलेबस कवर हो चुका है और ओल्ड स्टूडेंट जो पूछ रहे थे कोई भी बैच के टेस्ट सीरीज को छोड़ के कोई भी बैच का ओल्ड स्टूडेंट अगर है तो ओल्ड स्टूडेंट को वो ये थ्री थाउजेंड में अवेलेबल है थ्री थाउजेंड में ठीक चलिए बाकी एकलव्य टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ चल रहा है नाइन नाइन्टी नाइन इसका फी है और ये पाँच अगस्त से चल रहा है ई एम आर एस पी जी टी बायोलॉजी के लिए लगातार टेस्ट हो रहे हैं आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं जो भी न्यू स्टूडेंट है उनके लिए नौ है थर्टी टेस्ट है यहाँ पे कंप्लीट एनसीईआरटी कम कवर कराया जाएगा टेस्ट के माध्यम से और जो भी ओल्ड स्टूडेंट हैं किसी भी बैच में है टेस्ट सीरीज को छोड़ के उनके लिए केवल 500 फी है ओके चलिए स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका 60 क्वेश्चन है और इसको फटाफट करते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं और कैरियोटेक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ क्लासिफिकेशन विच इज़ बेस्ड ऑन अगर हम देखो साइटो टेक्सोनॉमी न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी कैरियो सब पढ़ाया है हमने आपको तो कैरियो एक ब्रांच है क्लासिफिकेशन का विच इज बेस्ड ऑन सीधे सीधे कैरियो कैरियो का मतलब न्यूक्लियस हो गया तो न्यूक्लियस में आपके क्रोमोसोम्स आएंगे तो बैंड्स फाउंड ऑन द क्रोमोसोम इसका आंसर क्या हो जाएगा बैंड्स फाउंड ऑन द क्रोमोजोम नेक्स्ट क्वेश्चन इन हनी बी मेटामार्फोसिस इज मेटामार्फोसिस हनी बी में कैसा होता है इन हनी बी मेटामार्फोसिस कई तरीके का मेटामार्फोसिस हमने आपको पढ़ाया था ए मेटाबोलस टाइप हेमी मेटाबोलस टाइप पारो मेटाबोलस टाइप होलो मेटाबोलस टाइप अच्छा पारो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है पारो मेटाबोलस टाइप ग्रेजुअल ग्रेजुअल मेटामार्फोसिस के थे इसको आप हमें बताएंगे हनी बी में होलो मेटाबोलस कंप्लीट मेटामार्फोसिस होता है कंप्लीट ठीक अच्छा पारो मेटाबोलस टाइप कहां होता है जल्दी से बताइए तो पारो मेटाबोलस टाइप कहां होता है फटाफट बताना देखते कितने लोग बताते हैं सारे टाइप के मेटा मार्फ से आपको पढ़ाया हुआ है वेरी गुड पारो मेटाबोलस टाइप कहां होता है गुड कॉकरोच में होता है क्योंकि कॉकरोचेस में हमने कहा था थर्टीन निम्फल स्टेजेस पाए जाते हैं थर्टीन निम्फल स्टेज पाए जाते हैं तेरह निम्फल स्टेजेस पाए जाते हैं कॉकरोच में है ना ठीक है चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अब ब्लू एंडालूजियन फाउल ब्लू अंडालूजियन फाउल इज अंडालूसियन फाउल तो पहले ही आपको पता है कि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है. है ना इनकम्प्लीट में हमने आपको पढ़ाया था। Is a product of mating black with white. तो 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 का white के साथ crossing से blue मिला। तो ये डोमिनेंस तो है तो फिर एफ टू जनरेशन में क्या आएगा एक ब्लैक आएगा दो ब्लू आएगा और एक वाइट आएगा आएगा ना तो फिर इसकी सेल्फिंग आप कराएंगे तो सेल्फिंग में क्या आता है भाई एक ब्लैक आएगा ठीक है दो ब्लू आएगा और एक वाइट आएगा तो तीन का क्या हो जाएगा तीन का ए हो जाएगा ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है तीन का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ़ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इन रेट्रोवाइरसेस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आपको पता है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है आर एन ए टेम्पलेट से सी डी एन ए का बनना कॉपी डी एन ए का बनना और यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम और इसी को हम टेमिनिज्म भी कहते हैं क्योंकि इसकी डिस्कवरी टेमिन एंड बाल्टी मोर ने किया था किसने किया था टेमिन एंड बाल्टी मोर ने किया था बाल्टी मोर ने किया था ठीक है तो इट यूजेस वायरस आरएनए एन एज अ टेम्पलेट फॉर डीएनए सिंथेसिस सही हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका क्या सही होगा बी ऑप्शन सही होगा चलिए अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ड्यूटेरोस्टोम्स देखो हमने बार बार आपको बताया है प्रोटियोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम्स के बारे में प्रोटियोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम्स के बारे में बताया है ड्यूटेरोस्टोम्स हमने कहा प्रोटियोस्टोम्स का मतलब ब्लास्टोपोर से फर्स्ट माउथ बने और यहाँ ब्लास्टोपोर से फर्स्ट एनस बने ठीक है और प्रोटीन स्टोम्स में आपके कौन आ जाते हैं ट्यूटर स्टोम्स में आपके इकाइनोडर्मेटा हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा आते हैं इसमें आपके कौन आ जाते हैं इसमें आपके एसखेलमिंथीज एनलीडा मोलस्का और आर्थोपोडा आ जाते हैं यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे स्पाइरल और इनडिटर्मिनेट क्लीवेज होता है इनडिटर्मिनेट क्लीवेज होता है और यहाँ पे रेडियल रेडियल एंड डेटरमिनेट क्लीवेज होता है डेटरमिनेट क्लीवेज ये हमने सॉल्व ही कराया था तो क्लीवेज इज यूजुअली स्पाइरल यही गलत है माउथ फॉर्म फ्रॉम द सर्फेस ऑफ एक्टोडर्म सही है मीजोथिलियम एराइज एंटो एंटेरोल होते ही है ये ड्यूटरस्टोम जो है ट्यूटरोस्टोम्स एंटेरोल होते हैं यही एंटेरोलोमेट है और ब्लास्टोपोर बिकम इनस तो ये सही है तो इस ऑप्शन से आपका क्या क्या हो जाएगा इसमें स्पाइरल क्लीवेज नहीं होता इसमें क्या क्या सही होता है नॉट ट्रू पूछा इसमें रेडियल एंड डिटर्मिनेट क्लीवेज होता है क्या होता है रेडियल एंड डिटर्मिनेट क्लीवेज होता है प्रोटियोस्टोम्स में कौन कौन आते हैं तो प्रोटियोस्टोम्स में एसखिल आ जाते हैं एनिलीडा आ जाता है मोलस्का आ जाता है और आर्थोपोडा आ जाता है ठीक है और यहां आपके इकाइनो आ जाते हैं हेमी आ जाता है हेमी कौर्डेटा और कॉर्डेटा आ जाता है ठीक सारा क्लासिफिकेशन कराया भी है सारा क्लासिफिकेशन आपको कराया भी है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ग्लूकोनियोजेनेसिस मीन्स ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है भाई तो आपको पता है ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम सब्सटेंस अदर देन द कार्बोहाइड्रेट यही सही है मतलब कार्बोहाइड्रेट के अलावा कार्बोहाइड्रेट के अलावा अगर किसी और सब्सटेंस से ग्लूकोज बनता है तो इसको हम ग्लूकोनियो जेनेसिस कहते हैं ठीक अब इसको मैच कराते हैं यहाँ पे देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है स्टेटोसिस्ट पहले आप देख लो जो जो आपको आ रहा है बस वो देख लो नूचल ऑर्गन आपने पढ़ा था न्यूचल ऑर्गन न्यूचल ऑर्गन नेरिस में बताया हमने अच्छा न्यूचल लोब कहाँ होता है देखते कितने लोग बताते हैं क्लाइटेलम कहाँ होता है फेरेटिमा में होता है है ना ठीक है तीन का एक हो गया आपका और चार का तीन हो गया तो आपका यही ऑप्शन सही है ए ऑप्शन ठीक स्टेटोसिस्ट एरेनिकोला में होता है और वीवी पेरस टीनोड्रिलस है ठीक तो इसका ए ऑप्शन सही है आप हमें बताओ नूचल लोब कहाँ होता है वेरी गुड नूचल लोब पाइला में होता है अच्छा इसको कुछ और नाम देते हैं नूचल लोब को कुछ और नाम देते हैं यूनियो में कहा होता है गोलू वेरी गुड पाइला ग्लोबोसा में होता है आ, इसको कुछ और नाम देते हैं क्या इसका सेकेंड नाम क्या है अदर नेम क्या है इसका अदर नेम क्या है जरा बताना रुचि सिंह वेरी गुड वेरी गुड पोडिया भी कहते हैं स्यूडोपोडिया नहीं स्यूडोपोडिया नहीं स्यूडेपी पोडिया क्या कहते हैं सीडो स्यूड रोहन गलत बता रहे हो स्यूडोपोडिया नहीं स्यूडेपीपोडिया कहते हैं स्यूडोपोडिया तो आपका वहां आ जाएगा ना प्रोटोजोवंस में कोलेस्टेरॉल कोलेस्ट्रॉल क्या है भाई लिपिड है ठीक है या एस्टेरॉल है एस्टेरॉल है रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ तो एस्ट्रेडा एस्ट्रेडायल मतलब एस्ट्रोजन वगैरह तो कोलेस्ट्रॉल किसकी सिंथेसिस के लिए आएगा अगर किसी वाइटमिन के लिए पूछता है तो वाइटमिन डी ठीक है कोलेस्ट्रॉल इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ वाइटमिन डी एज वेल एज एस्ट्रेडा चलो द हीमोग्लोबिन ऑफ इनवर्टिब्रेट एनिमल डिफर फ्रॉम वर्टिब्रेट एनिमल हैविंग तो इनवर्टिब्रेट का हीमोग्लोबिन वर्टिब्रेट से डिफर कैसे है उसमें लेस हिस्टिडीन पाया जाता है लेस हिस्टिडीन पाया जाता है हाँ लेस हिस्टिडीन पाया जाता है अब देखो यहाँ पे जरा ध्यान से द कंसनट्रेशन ऑफ सल्यूट इन रेड ब्लड सेल इज अबाउट टू परसेंट तो आर बी सी मान लो दिया है आरबीसी रेड ब्लड सेल में सल्यूट टू परसेंट है सुक्रोज कैन नॉट पास थ्रू द मेम्ब्रेन बट वाटर एंड यूरिया कैन ऑस्मोसिस वुड कॉज रेड ब्लड सेल टू श्रिंक मतलब रेड ब्लड सेल क्या होता है श्रिंक हो जाता है तो इसमें मोस्ट वेन इमर्ज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सोलूशन सीधी सी बात है आरबीसी को किस सोल्यूशन में रखोगे कि रेड ब्लड सेल सुक्रोज पास नहीं हो सकता बट वाटर एंड यूरिया पास हो सकता है ठीक है वाटर एंड यूरिया पास हो सकता है तो किस सोल्यूशन में इसको रखा जाएगा कि ये श्रिंक हो जाएगा सु, सुक्रोज में रखेंगे क्योंकि सुक्रोज नहीं अंदर पास हो सकता लेकिन यूरिया पास होगा तो यूरिया तो यहां जा सकता है यूरिया जा सकता है लेकिन सुक्रोज में नहीं जाएगा हाइपरटोनिक यूरिया सोल्यूशन में नहीं क्योंकि यूरिया तो आरबीसी के अंदर जाके बैलेंस बना सकता है लेकिन जो है सुक्रोज uh, नहीं पास हो सकता तो सुक्रोज वाला सोल्यूशन में ये श्रिंक हो जाएगा हाइपरटोनिक में श्रिंक होगा ना हाइपरटोनिक सुक्रोज सोल्यूशन भाई आप अपने से थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचिए कि यूरिया पास हो सकता है तो यूरिया तो आके आरबीसी के अंदर भी आ सकता है तो फिर वो आरबीसी का बैलेंस बना लेगा लेकिन सुक्रोज नहीं पास हो सकता तो सुक्रोज वाले सोल्यूशन में ये श्रिंक होगा ना चलो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्केल आपको पता है स्केल कार्टिलेजिनस फिसेस में होता है अब आप इसमें से देख लो कि कार्टिलेजिनस फिश कहाँ पे नहीं है अच्छा शार्क तो कार्टिलेजिनस है सॉफिस कार्टिलेजिनस है स्टिंग रे कार्टिलेजिनस है तो इनमें तो प्लेकॉइड स्केल होगा लेकिन बोनी बॉक्स ऑफ ट्रंक इसमें नहीं होगा क्योंकि यहाँ साइक्लॉइड या टिनोइड स्केल होता है आपको पता है कि ये तीनों कार्टिलेजिनस हैं। कार्टिलेजिनस फिस का हमने आपको बहुत सारा एग्जाम्पल भी बताया था और एनसीआरटी के एग्जाम्पल भी बताया था ट्राई टू प्रेस स्कूल स्कूल कार, कार्ड कार्ड ट्राइगॉन, टो से टारपीडो प्रेस से प्रेस्टिस स्कोलियोडॉन करकेरोडॉन है ना चलो देखो पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट बाय गिवन कोड विलो सिनेप्सिस ऑफ क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस बिल्कुल सही है सिनेप्सिस कहाँ होता है जाइगोटीन में होता है डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग एनाफेज वन ऑफ मियोसिस नहीं सेंट्रोमियर डिवाइड होता है या तो एनाफेज में माइटोसिस के एनाफेज में या एनाफेज टू में एनाफेजू में।, एना में ठीक तो ये तो गलत हो गया स्पिडल फाइबर डिसअपियर कंप्लीटली इन द टीलोफेज ऑफ माइटोसिस ये सही है और न्यूक्लियोलाई रीअपियर एट टीलो फेज ऑफ म्योसिस ये सही है तो आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा ए सी डी सही हो जाएगा क्या सही हो जाएगा ए सी डी क्या सही हो जाएगा यहाँ पे ए सी डी सही हो जाएगा नवीन वर्मा गलत बता रहे हैं न्यूक्लियोलाई रीअपियर तो होते हैं ना टीलो फेज वन में चलो सिंह आपको बताया था बर्ड में सिंसैक्रम फ्यूज होके बनता है ठीक है वर्टिब्री के फ्यूज होने से सिंसैक्रम बनता है तो हाउ मेनी फ्यूज वर्टिब्री कितनी वर्टिब्री फ्यूज होती हैं तो सिक्सटीन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है सिंसैक्रम Sacrum, जो बर्ड्स में पाया जाता है वर्टिब्री के फ्यूज होने से बनता है तो कितने वर्टिब्री फ्यूज होते हैं सोलह सोलह सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ फिशेज विच फीड वोरो वोरोसिली वोरोसिली मतलब जो ज्यादा खाने वाले होते हैं ऑन मॉस्क्यूटो लार्वा ट्राइकोगास्टर नहीं है पेंचेक्स है पेंचेक्स और गेम्बूसिया पेंचैक्स फिश भी जो है ना वो मॉस्किटो के लार्वा पे फीड करती है गेम्बूसिया तो सबको पता है लेकिन पेंचैक्स भी याद रखना तो आपका बी एंड सी है यहाँ पे बी एंड सी सही है गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग कुमकुम -कुम, दु दुबे नमस्ते जी लॉन्गेस्ट जस्टेशन पीरियड किसका है एलिफेंट का ब्लूवेल का स्कोलियोडॉन का सेलेमेंड्रा का जल्दी से बताइए लॉन्गेस्ट जेस्टेशन पीरियड किसका है ये बड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन है और मुझे पता है यहां आप लोग गलती करने वाले हैं सभी गलती कर रहे हैं एलिफेंट वेरी गुड पॉइसिलिया रेटिकुलेटा आल्सो लार्विसाइडल फिश वेरी गुड गोलू आपको याद है मुझे बड़ा अच्छा लगा एलिफेंट का बाईस मंथ होता है लेकिन देखो इसने क्वेश्चन घुमा दिया है छत्तीस बत्तीस से छत्तीस मंथ होता है सेलेमेंड्रा का ठीक है तो यहाँ सेलेमेंड्रा एट्रा आएगा सेलेमेंड्रा आएगा यहाँ पे घुमा दिया आपको और सब घूम गए लॉन्गेस्ट मैमल की बात करें तो एलिफेंट होगा लेकिन सेलेमेंड्रा हेमा शर्मा आई एम हरियाणा आई परचेज योर केवीएस रैंक एंड सुप्रीम बैच आई ऑल्सो लर्न मोर मैम रियली माई कॉन्सेप्ट नाउ क्लियर थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट आपके एग्जामिनेशन के लिए ठीक चलिए जूनोसिस बहुत बार बताया है आपको जूनोसिस याद है जूनोसिस याद है बहुत बार बताया है जूनोसिस हमने बहुत बार बताया देखिए कितने लोग बताते हैं डिजीज ऑफ ह्यूमन दैट कैन बी ट्रांसमीटेड टू एनिमल डिजीज ऑफ एनिमल दैट कैन बी ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन अ ग्रुप ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इन्फेक्टिंग एनिमल अ ग्रुप ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इनफेक्टिंग एनिमल नेहा शर्मा वेरी गुड चार्मिंग चीकू नहीं अलका यादव रिचा सिद्धू सनी विश्वकर्मा रितु सौरभ गलत है रिचा सक्सेना वेरी गुड रोहन वेरी गुड सुरभि शुक्ला नवीन वर्मा गलत है मंजू विश्वकर्मा नवनीत मिश्रा कोमल भार्गव कुमकुम दुबे कुमार बिपिन गलत है पल्लवी गलत है हमने कहा था ऐसा डिजीज एनिमल का डिजीज जो ह्यूमन में ट्रांसफर होता है एनिमल का डिजीज जो ह्यूमन में ट्रांसफर होता है ह्यूमन का डिजीज जो एनिमल में ट्रांसफर होता है वो नहीं डिजीज ऑफ एनिमल जो ह्यूमन में ट्रांसफर होता है उसको जूनोसिस कहते हैं क्या कहते हैं जूनोसिस कहते हैं ठीक चलो नेक्स्ट देखते हैं यूरिनरी ब्लैडर लाइक -like स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन कहाँ पे होता है भाई यूरिनरी ब्लैडर आपको पता है बर्ड में यूरिनरी ब्लैडर एबसेंट होता है लेकिन हमने आपको बताया था एक ऐसी बर्ड है जहां पे यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है कहा ऑस्ट्रिच में किस में ऑस्ट्रिच में ठीक ऑस्ट्रिच में ओके okay. डन आगे चलें कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू हेग्स एक्टिनिलिडा शुर शुक्ला बिल्कुल आपने बी दिया था कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू हेग एक्टिनिलिडा आपको पता है हमने आपको तीन क्लास पढ़ाया था एक्टिनिलिडा और दैट इज डेमो स्पॉन्जी ये पोरीफेरा के पोरीफेरा के क्या हैं क्लास हैं ठीक है तो हमने बताया था कि जो हैग्जैक्ट है उसमें यूप्लेक्टेला आता है वेनस फ्लार बास्केट ये सब दे आर एंटायरली मरीन क्या वो सब एंटायरली मरीन है स्पॉन्जिन इज लैकिंग बिल्कुल सही है यहाँ स्पॉन्जिन फाइबर नहीं होता यहाँ स्पॉन्जिन फाइबर नहीं होता ये बात तो बिल्कुल सही है है ना ये बात बिल्कुल सही है सेलुलर डर्मल एपिथिलियम इज वेल मार्ग्ड मार्ग तो ये देर एंटायरली मरीन फाउंड इन सेलो वॉटर ये भी सही है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा तो ए बी और सी ए बी कहीं है नहीं तो आपका आंसर सी सी भी सही हो जाएगा स्पॉन्जिन इस फाइबर इसमें नहीं होता है इसमें आपका क्या होता है अच्छा एक बार कंफर्म करना हमने लिखवाया है कि ये इंटायरली मरीन होते हैं अगर हमें एक बार कंफर्म करना है इस क्वेश्चन को हम कंफर्म करना चाहते हैं तीनों क्लास हमने लिखाया था तो एक बार नहीं 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 मेरे साथ मत चलो क्योंकि हमें इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है आप बताओ जब हम तीनों क्लास लिखाए थे तो किसी के पास है किसी के पास है तो आप तुरंत से देख के बताओ कि तीनों क्लास में हमने लिखवाया था कि जो कैलकेरिया है वो फ्रेश वाटर होता है मरीन वाटर भी होता है डेमो स्पॉन्जी भी फ्रेश वाटर होते हैं मरीन वाटर भी होते हैं क्या ये इंटायरली मरीन होते हैं ठीक है स्पॉन्जिन फाइबर यहां नहीं होता इसमें तो आपका क्या होता है सिलीशियस फाइबर होता है सिलीशियस कैलकेरिया में कैलकेरियस फाइबर्स होता है स्पॉन्जिन फाइबर मरीन प्लस मरीन है टोटल मरीन है कि मरीन प्लस फ्रेश वाटर दोनों है मरीन प्लस फ्रेश वाटर दोनों है ना तो आपका केवल बी ऑप्शन सही आएगा यहां पे बी ऑप्शन सही आएगा ओनली बी आएगा एंटायरली मरीन नहीं है ओनली बी आएगा स्पॉन्जिन फाइबर डीमो स्पॉन्जी में डीमो स्पॉन्जी में होता है ओनली बी राइट आएगा इसमें आप लोग कंफ्यूज कर रहे हैं सनी विश्वकर्मा एक बार देख के बताइए यार ऐसे कंफ्यूजन कैसे चलाएगा अच्छा ठीक है तब इसका ऑप्शन तब इसका ऑप्शन जो है फोर आएगा मेरे दिमाग से बिल्कुल स्किप है हाँ बिल्कुल ये तो सही है कि डीमो स्पॉन्जी में फ्रेश वाटर और मरीन वाटर तो इसका ऑप्शन फोर आएगा ठीक है फोर आएगा ओके चलिए नेक्स्ट आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजीज कॉज बाई वायरस विद डीएनए जीनोम डीएनए से कौन सा देखो पोलियोमिलाईटसए वायरस है एड्स आर एन ए वायरस से होता है रेबीज आर एन ए वायरस से होता है और चिकन पॉक्स डीएनए वायरस से होता है चिकन पॉक्स डीएनए वायरस से होता है ठीक है ठीक है चलिए चिकन पॉक्स आ जाएगा नेक्स्ट द राइबोजोम इन ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोजोम कैसा होता है सेवेंटी एस टाइप ठीक है लेकिन हमने आपको बताया था और डीप पूछे एनिमल्स में तो एनिमल्स का माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है जल्दी से बताइए और डीप पूछे तो जल्दी से बताइए प्लांट देखो और डीप पूछे तो कितना होता है कौन अस्सी बता रहा है वेरी गुड सनी विश्वकर्मा फिफ्टी फाइव एस राइबोसोम क्या बताया था फिफ्टी फाइव एस राइबोसोम जिसकी दो सब यूनिट है ट्वेंटी फाइव और थर्टी फाइव है ना ट्वेंटी फाइव एस और थर्टी फाइव एस फिफ्टी फाइव वेरी गुड चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फ्टर डेथ द मसल बिकम स्टिफ आपको पता है इसको रिगर मोर्टिस बताया था हम रिगर मोर्टिस बताया था एक हमने एल्गार मोर्टिस भी बताया था एल्गार मोर्टिस क्या होता है रिगर मोर्टिस एंड डू नॉट रिलैक्स दिस कंडीशन इज कॉल्ड रिगर मोर्टिस दिस इज कॉज बाय द डिक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ हमने कहा था रिगर मोर्टिस किसकी वजह से होता है तो रिगर मोर्टिस क्योंकि एटीपी खत्म हो जाता है जो क्रॉस ब्रिज बने होते हैं क्रॉस ब्रिज को डिजॉल्व करने के लिए एटीपी चाहिए और एटीपी खत्म हो जाता है तो इसकी वजह से होता है तो इक्कीस का बी हो जाएगा एल्गार मोर्टिस क्या होता है व्हाट इज एल्गार मोर्टिस वेरी गुड आफ्टर डेथ टेम्परेचर डाउन बॉडी ठंडी हो जाती है टेम्परेचर फॉल डाउन, बॉडी ठंडी हो जाती है इसको एल्गार मोटिस कहते हैं क्योंकि हाइपोथैलमस जो टेम्परेचर रेगुलेशन करता है वो काम नहीं कर पाता तो हाइपोथैलमस की वजह से वेरी गुड चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैस्ड इफाइरा लार्वा आरेलिया का है पेर एनकाइम्यूला लार्वा पोरीफेरा का है सिडिपिड लार्वा टीनोफोरा का है रेबडिटी फॉर्म लार्वा क्या वुचरेरिया का है नहीं वुचरेरिया का लार्वा कौन है माइक्रोफाइलेरी कौन है माइक्रोफाइलेरी ठीक है और रेबडिटी फॉर्म लार्वा किसका है एस्केरिस का है किसका एस्केरिस का है तो ये डी ऑप्शन गलत हो जाएगा डी ऑप्शन गलत हो जाएगा नेक्स्ट इन इकाइनोडर्म द एंडोस्केलेटन तो एंडोस्केलेटन इसका मेसोडर्मल होता है सभी को पता है एंडोस्केलेटन कैसा होता है मेसोडर्मल होता है आसान सा क्वेश्चन अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कैरेक्टर्स दैट डिस्टिंग्विश आर्थोपोड फ्रॉम एनीलीड एंड मोलस्का आर्थोपोड का वो कैरेक्टर जो एनीलिडा और मोलस्का से अलग है तो एब्सेंस ऑफ ट्रोकोफोर लार्वा बिल्कुल सही है ट्रोकोफोर लार्वा यहां होता नहीं है ठीक है एन एक्सटर्नल स्केलेटन मेडअप ऑफ काइटीन ये भी सही है ठीक है तो ए और बी दोनों सही हो गया डिस्टिंक्ट मैंडिबल मैंडिबल भी होता है यहाँ ये भी सही है जो कि आपके मोलस्का और एनलिडा में नहीं होता सब डिवीजन ऑफ लेग लेग कई सारे डिवीजन में डिवाइड होता है और मूवेबल सेगमेंट तो ये भी सही है तो यहाँ पे आपका चार सही हो जाएगा क्या हो जाएगा चार सही हो जाएगा आर्थोफोडा का वो कैरेक्टर जो एनलीटा और मोलस्का से अलग है तो ये चारों ही कैरेक्टर यहाँ पे आर्थोफोडा के स्पेसिफिक कैरेक्टर हैं ठीक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ माओफाइब्रिल इन स्केलेटल मसल अकर बिटवीन तो जो कॉन्ट्रैक्शन uh, होता है वो किसके बीच होता है तो वो दो जेड लाइन के बीच होता है दो जेड लाइन के बीच होता है दो जेड लाइन के बीच होता है Z लाइन को और क्या कहते हैं ये कुछ डिस्क बताया था मेरे दिमाग से स्लिप कर रहा है Z लाइन को क्या कहते हैं जल्दी से बताइए तो. तो Z लाइन के बीच होता है फटाफट बताइए Z लाइन को और क्या कहते हैं हाँ दो तो, जो जो जेड लाइन है वो किसके बीच है सार्कोमियर मेयर के बीच में है सार को के बीच है वेरी गुड जेड लाइन को क्राउजे मेम्ब्रेन भी कहते हैं क्राउजे मेम्ब्रेन भी कहते हैं डन क्राउजे मेम्ब्रेन। बहुत अच्छे बहुत अच्छे हेंसेन डिस्क नहीं कहते हेंसन तो वो जो एच जोन होता है एम लाइन को एम लाइन जो होता है उसको हेंसेन लाइन कहते हैं उसको उसकोन लाइन कहते हैं क्राउजे मेम्ब्रेन कहा जाता है इसको के से रहेगा हाँ से क्राउजे मेम्ब्रेन, ठीक चलिए नेक्स्ट देखिए द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रोफिल इन टू टिश्यू हमने दो टर्म आपको बताए हैं न्यूट्रोफिल जैसे मान लो कि ये हमारी ब्लड वेसल है और यहाँ पे हमारे न्यूट्रोफिल्स हैं ठीक है और न्यूट्रोफिल ब्लड वेसल से बाहर जा रहा है टिश्यू में जा रहा है तो इसको तो हम क्या कहेंगे इसको हम लोग कहते हैं डाइपेडेसिस। लेकिन हमने ये भी आपको बताया था कि डाइपेडेसिस का दूसरा नाम क्या है डाइपेडेसिस का दूसरा नाम है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रावैसेसन याद है बताया था कभी वेरी गुड इसको एक्स्ट्रा वैसेसन कहते हैं नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन डीएनए आर एन ए मे बी तो इनको दोनों को हम कैसे इजिली डिस्टिंग्विस्ट कर सकते हैं तो यहाँ पे आंसर आपका आएगा मेजरमेंट ऑफ दर अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम ये अलग अलग जो है उसको रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं ठीक ओके okay, चलिए नेक्स्ट देखते हैं पेन किलर पेनकिलर पेन किलर इसको कहाँ से ऑप्टेन करते हैं पेन किलर इसको ऑप्टेन कहाँ से करते हैं नाइलॉगजिन को कहाँ से ऑप्टेन किया जाता है किस स्नेक से ऑप्टेन करते हैं जल्दी से बताइए वेरी गुड इसको कहाँ से ऑप्टिन किया जाता है मैम एम फ्रॉम उत्तराखंड थैंक यू सो मच ज्योति चंद्रा ठीक है कोबरा से नेक्स्ट देख लेते हैं असरसन uh, रीजन देखते हैं Reason देखते हैं। ज बाई बॉडीज फेलियर टू ऑक्सीडाइज एन एमिनो एसिड फिनाइल एलिंग टू टाइरो बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव एंजाइम है ना डिफेक्टिव एंजाइम बिल्कुल सही है जिसमें फिनाइल एलेनिन टाइरोसिन में चेंज नहीं हो पाता इट रिजल्ट इन द प्रेजेंस ऑफ फिनाइल एलनिन इन यूरिन यूरिन में फिनाइल एलेनिन आने लगता है। ये, है ये भी सही है ये भी सही है ये भी सही है लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन भी है इसलिए एक्सप्लेनेशन है कि इसको हम फिनाइल कीटोन यूरिया कह रहे हैं क्योंकि ये यूरिन में दिखाई देता है ठीक तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट देखते हैं बाय विच स्पीसीज ह्यूमन इंसुलिन ह्यूम्योलीन हिम्यूलिन है ना हिम्योलिन किस स्पीसीज से बनाया जाता है तो इकोलाइ e. से कोलाई द कोलाइनो बैक्टीरिया एनाबीनाइज अ डाइजोट्राफ क्या सही बात है हमने आपको बताया है डाइजोट्राफ या नहीं सही सही बताइए आप आप कहीं का भी पेपर देख लीजिए आपको इतना कॉन्फिडेंस आपका क्यों हम हाई रखना चाहते हैं आप कहीं का भी पेपर देख लीजिए वो चीजें जो आपने शायद कभी नहीं सुनी होगी हम आपको सुना के रखते हैं डाइजोट्रॉफ आपको पता है हमने कहा था नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म को डाइजोट्रॉफ कहते हैं और आप बताओ हेट्रोसिस्ट के बारे में भी बताया हेट्रोसिस्ट लैक फोटोसिस्टम सेकेंड अरे बिल्कुल सही है ये भी तो सही है क्योंकि हमने आपको ये भी बता रखा है कि जो हेट्रोसिस्ट होते हैं हेट्रोसिस्ट में क्योंकि नाइट्रोजन फिक्स करना होता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए नाइट्रोजिनेज एंजाइम चाहिए और नाइट्रोजिनेज एंजाइम चाहिए और ये ऑक्सीजन सेंसिटिव होते हैं और ऑक्सीजन सेंसिटिव हैं तो कैसे हम इसको ऑक्सीजन से बचा सकते हैं फोटो सिस्टम टू एबसेंट कर दो फोटोसिस्टम टू नहीं रहेगा तो वाटर की फोटोलाइसिस नहीं होगी और वाटर की फोटोलाइसिस नहीं होगी वहां पे तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा इसलिए हेट्रोसिस्ट में नेचर ने फोटोसिस्टम टू को एबसेंट कर दिया ये बात हमने आपको बताई है बिल्कुल सही है ए, ठीक, चलिए, तो सब चीज रीजन के साथ पढ़ाया जाता है ना डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट, हमने कहा था फ्रॉम के बाद जो हो उसी को लगाना गैमी फ्रॉम के बाद गैमिटोफाइट है ना फ्रॉम के बाद जो हो उसको लगाना और अगर यही उल्टा दिया रहता है गेमिटोफाइट फ्रॉम स्पोरोफाइट तो फ्रॉम के बाद स्पोरोफाइट होगा तो एपो स्पोरी हो जाता नियो टाइप नियो का मतलब ये हो गया न्यू ये भी बताया है नियो टाइप कब आएगा भाई जब सारा ओरिजिनल मटेरियल लॉस हो जाएगा होलो टाइप लेक्टोटाइप टाइप आइसो टाइप सिन टाइप ठीक है पैरा टाइप सब बताया था और नियो टाइप नियो टाइप का मतलब जब सब लॉस हो जाए तो जब ऑथर नया ओरिजिनल मटेरियल चूज करता है तो उसको नियो टाइप कहते हैं है ना द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन हैच एंड स्लैग साइकिल मतलब सी फोर साइकिल साइकिल हैच एंड स्लैग साइकिल साइकिल में क्या होता है पीई पी प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर होता है तो ऑक्सिलोस्टिक एसिड बनता है तो फॉस्फोनाल पायरुबिक एसिड फॉसफोइनाल पायरुबिक एसिड विच आर द फॉलोइंग टू शू नॉट प्रायमा तो होता है एर एन कायमा होता है प्लेक्टिन कायमा नहीं होता प्लेक्टिन कायमा क्या है आप बताएंगे हमें और कहाँ होता है आप बताएंगे सब पढ़ाया है प्लेक्टेन कायमा नहीं होता तो होता कहाँ है और ये क्या होता है देखते हैं कितने लोग बताते हैं कितने लोग बताते हैं देखते हैं भाई वेरी गुड सनी विश्वकर्मा ये फंगल हाइफी का मॉडिफिकेशन है किसका फंगल हाइफी का मॉडिफिकेशन है फंजाई में होता है वेरी गुड फंजाई में होता है ठीक चलिए आओ मैच कराते हैं मस्टर्ड ग्राउंड ग्राउंडनट एरेकिस हाइपोजिया आपको पता है ये जियो फ्रूट होता है जियो फ्रूट बहुत बार ये सवाल दिया जाता है जियो फ्रूट और यहां से जो फाइबर ऑप्टेन करते हैं आर्ड्रिल आर्डिल फाइबर आर्डिल फाइबर याद रख लेना ये अभी हमने क्वेश्चन कराया था तो कुछ नई चीजें मिला करें ना तो उसको नोट कर लीजिएगा ठीक है ग्राम आपको सीसर एरिएटम हो गया और पिजन पी कजेनस केजन हो गया कौन कह रहा है मैम वॉइस क्लियर नहीं बहुत स्लो है अरे यार आप अपना ऐसा है क्या हम बहुत तेज बोल रहे हैं और वॉइस तो एकदम क्लियर होनी चाहिए ऐसा है क्या कोई कह रहा है मैम वॉइस सारिका विश्वकर्मा कह रही है वॉइस नहीं आ रही है बहुत स्लो है बिल्कुल क्या वॉइस मेरी प्रॉपर है क्या वॉइस प्रॉपर है बताइए एक बार अब देखिए कह रहा है एम आर एन ए न्यूक्लियोटाइड लिंक मतलब आरएनए जो है उसमें न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे लिंक होंगे कैसे लिंक होंगे तो आर एन ए में न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से लिंक होते हैं कैसे फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से लिंक होते हैं ठीक विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड वीवी पेरी बिल्कुल सही है हेलो फाइट हेलो फाइट मतलब मैंग्रोव प्लांट और मैंग्रोव प्लांट में हमने आपको बताया है वीवी पैरिटी पाई जाती है ठीक वेल्लामेन रूट्स ईपी फाइट आर्किड और वेंडा में होते हैं आर्किड एंड वेंडा में होते हैं संकन स्टेमा स्टेमेन सॉरी संकन स्टोमेटा जीरो फाइट में न्यूमेटो फोर या रेस्पिरेटरी रूट रेस्पिरेटरी रूट हैलोफाइट में होते हैं मीजो फाइट में नहीं ये मैनग्रूव प्लांट में होते हैं हेलोफाइट में ठीक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट यूजिंग द कोड गिवन बिलो द जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट एंड यूनिवर्सल मीन्स जेनेटिक कोड डी जनरेट एंड यूनिवर्सल मीन्स तो डी जनरेट का मतलब क्या है डी जनरेट का मतलब वन एमिनो एसिड में है मोर देन वन कोडॉन ये बिल्कुल सही है एक अमीनो एसिड को एक, एक से ज्यादा कोडॉन कोड कर सकता है ये डी है या रिडनडेंसी कहते हैं ठीक है और ऑल अमीनो एसिड है मोर देन वन कोडॉन नहीं कोडॉन आर कॉमन फॉर मोस्टली ऑल प्लांट लोअर एंड हायर ये यूनिवर्सल है ये यूनिवर्सल है तो ए एंड सी सही हो जाएगा इसका ए एंड सी सही हो जाएगा ठीक चलो नेक्स्ट क्या है गाइनो बेसिक स्टाइल बार बार पूछा जाता है तो ये सी फैमिली तुलसी ऑसिम फैमिली में होता है ऑसिमम में और एपीएससी में कैसा स्टाइल होता है स्टाइलोपोडियम स्टाइलोपोडियम एपीएससी मतलब अम्बली फेरी में स्टाइलोपोडियम है है ना अगला क्या है देखते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रोकेरियोड सोइंग सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद अजोला अजोला सबसे स्मॉलेस्ट फर्न है है ना स्मॉलेस्ट फर्न है और ये वाटर फर्न भी है मॉस्क्यूटो फर्न भी कहते हैं इसको ठीक है मॉस्क्यूटो फर्न भी कहते हैं तो अजोला एनाबीना एजोली के अजोला बिलोंग्स टू द जीनस ऑफ एना बिना एजोली कहते हैं इसको ठीक सी हो गया नेक्स्ट वायरस फ्री प्लांट कैन बी प्रोड्यूस्ड वायरस फ्री प्लांट कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है तो आपको पता है भाई मेरिस्टम कल्चर करते हैं मेरिस्टम कल्चर मेरिस्टम कहाँ से मिलेगा मेरिस्टम एंथर से तो मिलेगा नहीं ओव्यूल से मिलेगा नहीं लीप से मिलेगा नहीं स्टेम टिप से ही मिलेगा मेरिस्टम स्टेम टिप से मिलेगा मेरिस्टम कहाँ से मिलेगा स्टेम टिप से मिलेगा मार्फोलॉजिकली स्पाइसीज इल्डिंग प्लांट ऑफ टर्मरिक टर्मरिक को क्या कहते हैं करक्यूमा लौंगा है ना करक्यूमा लौंगा ठीक और टर्मरिक प्लांट में मतलब हल्दी में राइजोम होता है भाई जिंजर में जिंजर में और टर्मरिक में टर्मरिक में और बनाना में इन सब में राइजोम होता है कि नहीं क्या होता है राइज़ोम नेक्स्ट इलेटर्स कहां एब्सेंट होते हैं मार्केन्सिया में इलेटर्स होता है रिक्सिया में फोर रनर ऑफ इलेटर है फोर रनर ऑफ इलेटर फोर रनर ऑफ इलेटर को क्या कहते हैं नर्स सेल कहते हैं नर्स सेल एंथोसिरोस में स्यूडो इलेटर है स्यूडो इलेटर है लेकिन फ्यूनेरिया में इलेटर है क्या नहीं है में पेरिस्टोमियल पेरिस्टोमियल टीथ है पेरिस्टोमियल टीथ है सिक्सटीन सिक्सटीन के रो में थर्ट दो रो में थर्टी टू होता है प्रियंका पटेल चलिए द कैटेगरी क्लास कहां आता है तो हमने आपको बताया था डी के पी सी ऑफ बार बार डोमेन ठीक है किंगडम ओके फाइलम तो किंगडम और फाइलम फिर क्लास तो क्लास फिर फाइलम फिर ऑर्डर के बीच में ऑर्डर तो मान लो फाइलम हो फाइलम को हम और डिवीज़न भी कह सकते हैं प्लांट में तो ये देखो क्लास किसके बीच में डिवीज़न और ऑर्डर के बीच में तो चौथा सही हो जाएगा 45 का चार भाई एनिमल में फाइलम है लेकिन प्लांट में डिवीज़न है कि नहीं देखो अनुराधा अनुराधा बी बता रही हैं रुचि सिंह बी कहां से हो जाएगा बी कैसे हो जाएगा हम इतना प्रैक्टिस कराते हैं कि आप लोग गलती नहीं करोगे गलती नहीं करोगे गलती नहीं करोगे लेकिन फिर भी पता नहीं कितना एक सेकेंड एक होल्ड रखना आ रही आवाज आ रही है टाइपिंग एरर टाइपिंग एरर करिए बाद में देखते हैं रिंडियर मॉस क्लेडोनिया रेंजी फेरिना ठीक है ना तो आपको पता है ये लाइकेन है क्लब मॉस लाइकोपोडियम टेरिडोफाइटा है ठीक है बाग मॉस स्नम है हॉर्स्टेलिया स्कोरिंग रसेस इक्विटम है तीन हो गया एक हो गया चार हो गया दो हो गया तीन एक चार दो ठीक है चलिए नेक्स्ट न्यूक्लियोलस स्फेरोजोम प्लाज्मोडेस्मेटा और पेराक्सीजोम न्यूक्लियोलस में आर 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 ए की सिंथेसिस होती है ना ठीक स्फेरोजोम लिपिड स्टोरेज का काम करता है हम्म हाँ ठीक है प्लाज्मो तो भाई ट्रांसपोर्ट का ही काम करेगा और ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म ग्लाइकोलेट पाथवे किसको कहते हैं सी टू पाथवे फोटोरेस्पिरेशन को तो तीन एक चार दो तीन एक चार दो फोर्टी सेवन ए चले 48 क्या है द एंजाइम यूज इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर पीसीआर में क्या यूज करते भाई टैग पॉलीमरेज क्या यूज करते हैं टैग पॉलीमरेज ये तो सभी को पता है थर्मस एक्वेटिकस से ड्यूरिंग प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन मतलब ये सेल वॉल जो है हटा देना है तो सेल वॉल हटा दोगे तो सेल वॉल को रिमूव करने के लिए हम कौन सा एंजाइम यूज करेंगे सेलुलेज एंजाइम कौन सा एंजाइम यूज करेंगे वॉल हटा दो, देंगे तो प्रोटोप्लास्ट बचेगा और प्रोटोप्लास्ट के लिए कौन सा एंजाइम यूज करेंगे सेल्युलेज अच्छा चलो हम आपसे ना यहाँ दो क्वेश्चन और पूछते हैं दो क्वेश्चन और पूछते हैं दो क्वेश्चन और पूछते हैं एक अच्छा हमें बताओ माइटोप्लास्ट क्या है एक तो प्रोटोप्लास्ट व्हाट इज माइटोप्लास्ट, व्हाट इज माइटोप्लास्ट जल्दी से बताइए माइटोकॉन्ड्रिया माइनस आउटर माइटोकॉन्ड्रियल को माइटोप्लास्ट कहते हैं है ना माइटोकॉन्ड्रिया विदाउट सेल सेलवॉल माइटोकॉन्ड्रियम सेल वॉल कहा है भाई क्या बात कर रहे हो कीर्ति द्विवेदी छोटे छोटे क्वेश्चन साइटोप्लाजमा ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया नेहा शर्मा मेगा मिस्टेक मैक्रो मिस्टेक पॉली मिस्टेक वॉट इज गोइंग ऑन क्या बात है भाई माइटोकॉन्ड्रिया माइनस आउटर मेम्ब्रेन है ना अच्छा चलो आप हमें बताओ व्हाट इज काइनेटोप्लास्ट व्हाट इज काइनीटो और ये कहां पाया जाता है काइनेटोप्लास्ट कहां पाया जाता है फटाफट -फड़ बताइए देखते देख कितने लोग बताते माइटोजोम इज टोटल माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल वेरी गुड अरे वाह सनी विश्वकर्मा वेरी गुड सनी विश्वकर्मा बहुत अच्छे दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ प्लेजिलेट प्रोटोजोअन प्लेजिलेट्स प्रोटोजोआ लाइक ट्रिपेनोजोमा लाइक लीशमैनिया वेरी गुड सलीक नवीद ये गूगल का आंसर प्लीज़ मत टाइप किया करिए हमें इतना तो पता है कि ये गूगल का आंसर है ठीक तो मेरे चश्मे से सब दिखाई देता है ठीक है चलिए नेक्स्ट आते हैं अगैर अगैर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अगैर अगैर कहाँ से ऑप्टेन किया जाता है तो आपको पता है ग्रेसिलेरिया और जेलीडियम अरे मेघा जैन हमने देखा कल हमने देखा हम आज आपको पक्का रिप्लाई करेंगे पक्का रिप्लाई करेंगे थोड़ा सा इतनी व्यस्तता चलती है ना मेघा जैन आप आज आज पक्का रिप्लाई करेंगे आपको रोडोफाइस नेक्स्ट इन जर्मिनेटिंग सीड एल्फा अमाइलेज इज प्रोड्यूस्ड बाय एल्फा अमाइलेज कौन प्रोड्यूस करता है जल्दी से बताइए एल्फा एमाइलेज कौन पुटे तो एल्यूरोन ठीक चलिए पेरीडर्म क्या है भाई तो पेरीडर्म कैम्बियम और सेकेंडरी कॉर्टेक्स मतलब फेलोजन फेलम फेलोडर्म तो फेलोजन क्या है कैम्बियम है कार्क कैम्बियम है फेलम क्या है कार्क है और फेलोडर्म क्या है सेकेंडरी कॉर्टेक्स है ठीक पेरिडर्म ओके नेक्स्ट मोटर सेल्स मोटर सेल्स आर प्रेजेंट इन अपर एपिडर्मिस ऑफ लीव्स ऑफ मेनी मोनोकॉट मेनी मोनोकोट की जो अपर एपिडर्मिस की लीफ होती है उसी में मोटर सेल्स होती है या फॉर्म सेल्स होती हैं ये हाइग्रोस्कोपिक होती हैं ये हाइग्रोस्कोपिक होती हैं और ये वाटर स्टोर करती हैं तो स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रोलिंग अनरोलिंग ये फॉर्म सेल भी कहलाती हैं बुलीफॉर्म सेल बुलीफाम सेल तो ये रोलिंग लीफ के रोलिंग और अनरोलिंग में रोल प्ले करते हैं अरे वाह भाई वाह सरफेस एरिया को रिड्यूस कैसे करेगा सरफेस एरिया को बढ़ाएगा कि रिड्यूस करेगा ये बताइए अगर अच्छा मेरे समझ में ये आ रहा है कि माइक्रोविलाई ऐसे है ऐसे है ऐसे है ऐसे है ऐसे और मान लो इसी को हमने एक्सटेंड कर दिया यहां से यहां तक तो ये इतना दूर आ जाएगा लेकिन इसने फोल्ड बना लिया है तो सरफेस एरिया को बढ़ा रहा है ना ये तो अगर अपर एपिडर्मिस की सिल ऐसे है ऐसे है ऐसे है ऐसे है ऐसे है ऐसे है तो ये सरफेस एरिया को बढ़ाएगा या घटाएगा तनिक भी दिमाग नहीं लगाते हैं आप लोग एकदम क्या है वहां पे गोबर गैस प्लांट लगाना पड़ेगा क्या आप लोगों के दिमाग में ये बताइए चलिए ठीक है नेक्स्ट देखते हैं ऑल फंजाई कैन बी एज ऑल फंजाई क्या है भाई जल्दी बताइए हेट्रोट्रॉप फंजाई तो हेट्रोट्रॉप है ना नेक्स्ट देखते हैं एन एग्जाम्पल ऑफ फाइबर ऑप्टेन फ्रॉम स्टेम एग्जाम्पल ऑफ फाइबर ऑप्टेन फ्रॉम स्टेम देखो कैपोक तो नहीं है क्वायर मीजो कार फ्रूट फ्रूट से आपको ऑप्टेन होता है कोकोनट से कोकोनट ठीक कैपोक भी सीड फाइबर है कॉटन भी सीड फाइबर है फ्लेक्स लाइनम असिटेसिमम। लाइनम असीटैसिम देखो 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 या फिर सुषमा पांडे अनुराधा अनुराधा नाम रखा है अनुराधा अनुराधा ये कौन टाइम आउट कर रहा है भाई तीन तीन सौ सेकेंड के लिए समझ नहीं आ रहा है हमको चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन द स्पोरोट इज नॉट फ्री लिविंग बट डिपेंडेंट ऑन गैमिटोफाइट स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं है फ्री लिविंग नहीं है डिपेंडेंट है गेमिटोफाइट पे तो आपको पता है कि पैरासिटिक स्पोरोफाइट कहाँ होता है ब्रायोफाइट पे ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट गेमिटोफाइट पे डिपेंडेंट होता है टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट और कुमार बिल्कुल ग्यारह सितंबर से ग्यारह सितंबर से नया बैच स्टार्ट है टेरिडोफाइटा में गैमिटो और स्पोरोफाइट दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं और टेरिडोफाइट आप हमें बताओ टेरिडोफाइटा के गैमिटोफाइट को क्या कहते हैं टेरिडोफाइटा के गैमिटो को क्या कहते हैं टेरिडोफाइटा के गैमिटो को क्या कहते हैं <coughs> बार बार ये क्वेश्चन आता रहता है आपके प्रियंका पटेल वेरी गुड सनी विश्वकर्मा वेरी गुड प्रोथैलस कहते हैं प्रोथैलस कहते हैं क्या कहते हैं प्रोथैलस इंडिपेंडेंट इनकॉन्सिपीक्यूअस स्मॉल इफेमेरल और

इम्परफेक्टाइटेमाइसिटीज पंद्रह महीने नए बैच का ड्यूरेशन पंद्रह महीने होगा कुछ गड़बड़ी हुआ होगा ऐसे ही देख अभी सही हो जाएगा विच ऑफ नॉट अ इसमें से कौन नहीं है रुबिस्को तो है, मोस्ट अब प्रोटीन ऑफ होल बायोस्फीयर और राइबोजाइम राइबोजाइम आर एन एंजाइम है आरने यही प्रोटीन नहीं है. बाकी है है, ये सब प्रोटीन है लेकिन राइबोजाइम जो है वो आर एन है अगला क्वेश्चन सीड सीड कोट कोट हो तो उसको कैसे ब्रेक किया जाता है तो हमने आपको कहा था सीड कोट अगर इम्परमिएबल हो तो उसको हम लोग क्या करते हैं मैकेनिकल स्कैरिफिकेशन उसको किसी नीडल से या उससे वीकेनिंग ऑफ सीड कोट को स्कैरिफिकेशन कहा जाता है बताया था ना और लो टेमपरेचर देख के सीड जर्मिनेशन को स्ट्रेटिफिकेशन कहा जाता है लो टेम्परेचर देख के सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करना स्ट्रेटिफिकेशन और मैकेनिकल स्केरिफिकेशन क्या बताया था कि अगर किसी नीडल से या किसी इंस्ट्रूमेंट से सीड कोट को वीक किया जाता है तो उसको स्केरिफिकेशन नेक्स्ट इन जर्मिनेटिंग ऑयल सीड बीटा ऑक्सीडेशन कहा होता है तो बीटा ऑक्सीडेशन बार बार हमने आपको पढ़ाया है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है तो ये रहा साठ क्वेश्चन अब आप खुद देख लो पेपर कहीं का भी हो क्या इसमें आप 90% परसेंट नाइन्टी परसेंट चीज़ें हमने पढ़ाई है या नहीं तो हम इसीलिए कहते हैं पेपर कहीं का भी इसलिए हम पेपर कराते रहते हैं ताकि आपको भी लगे आपका मोरल हमेशा हाई रहे ठीक है आप हमेशा मोटिवेट रहें कि हाँ जो हम पढ़ रहे हैं सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं चाहे कैसा भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा रहा पूछ रहा है हम लोग कर पा रहे हैं है ना बाकी ये थोड़ा सा चलता रहेगा दो तीन दिन और पेपर हम लगातार कराएंगे इस वीक में क्योंकि 10 सितंबर एग्जाम है तो मदद मिल जाए स्टूडेंट को ठीक है समझ रहे हैं ना तो पेपर कहीं का भी हो कैसे भी हो अभी आपका वेस्ट बंगाल का पेपर होने वाला है हम उसका भी कराएंगे और अभी ये दस सितंबर को है तो आज छः है सात आठ नौ तीन दिन और करा दें और उसके बाद जो है इन लोगों का भी थोड़ा भला हो जाए हाँ ठीक है अभी पी वाला काम थोड़ा सा बंद है क्योंकि हमारा हमारा सीरीज चल रहा है ये सब टाइप करना पड़ रहा है तो अभी संडे रिविज़न पच्चीस छब्बीस का पी रैंडम क्विज़ का पाँच छः का पी और ये सब जो पेपर करा रहे हैं वो सब का पी एक दिन बैठ के टाइपिंग से सारा करवाएंगे आंसर लगवाएंगे तो थोड़ा सा हमें मोहलत दीजिए बाकी हमारा काम तो चल ही रहा है आपका काम भी नहीं रुका हुआ है सेशन सारे आप लोग कर रहे हो तो पीडीएफ थोड़ा सा पीडीएफ के लिए थोड़ा सा करिए एक दो दिन सारी चीज़ करवा देंगे एंजल एमपी मैंने क्रैश कोर्स बाई किया है आप सुप्रीम टू पॉइंट बैच ले लीजिए ठीक है आपके पास क्रैश कोर्स है तो ये बैच है आ, कितना पाँच हज़ार का बैच है लेकिन किसी भी ओल्ड स्टूडेंट के लिए थ्री थाउजेंड का दिया जा रहा है ठीक है ये सुप्रीम टू पॉइंट टो कहाँ गया आपका ये सुप्रीम टू पॉइंट बैच है इलेवन सेप्टेम्बर से ये स्टार्ट हो रहा है ग्यारह सितम्बर से लाइव स्टार्ट हो रहा है और अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप इस किसी भी नंबर पे जनरली एक नंबर बता रहे हैं आपको आप उस पर अपना फ़ी रिसिप्ट व्हाट्सएप कर दीजिए ट्रिपल एट सेवन वन नाइन सेवन टू नाइन वन इसपे अपना फ़ी रिसिप्ट व्हाट्सएप कर दीजिएगा और बता दीजिएगा हमें सुप्रीम टू पॉइंट ओ लेना है तो आपको टू थाउजेंड ऑफ कर दिया जाएगा कूपन बना दिया जाएगा तो आपको ये थ्री थाउजेंड में मिल जाएगा ओल्ड स्टूडेंट के लिए ऑफर हमेशा रहेगा बाकी आज रात के लिए जो न्यू स्टूडेंट है आज रात बारह बजे तक उनके लिए ऑफर में फोर थाउजेंड है ठीक है ओल्ड स्टूडेंट के लिए ऑफर थ्री थाउजेंड हमेशा रहेगा ठीक है ओल्ड स्टूडेंट के लिए वो आज लें कल लें परसों लें चाहे जब लें उनके लिए थ्री थाउजेंड ही रहेगा बाकी आज रात के लिए जो न्यू स्टूडेंट है, उनके लिए फोर थाउजेंड रहेगा आज रात के लिए बाकी कल से फाइव थाउजेंड हो जाएगा बफरिंग हो रही है शायद ठीक है, अभी सही है चलिए ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल मिलते हैं शाम को नहीं सुषमा बिल्कुल सफिशियंट है सुषमा पांडे बिल्कुल सफिसियंट है जो लोगों के पास कोई भी बैच है उनके लिए सफिसियंट है वो बैच आप आराम से पढ़िए जो चाहते हैं कि हमारे स्टडी कंटिन्यू रहे लाइव सेशन पढ़ते रहे वो पूछते हैं तो हम बता देते हैं उनके लिए भी कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी ना क्योंकि पढ़ते रहने से थोड़ा उनका रिविजन होता रहता है बस यही बात है और क्या आप आपके पास अगर कोई भी बैच है तो आप लोग पढ़ते रहिए उसको जिनको लगता है कि चलिए ठीक है ओके बाय बाय सभी को ओके okay, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में लर्निंग सेंटर पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे माइक्रोस्कोपी भी पढ़ाएंगे डोंट वरी चलिए ओके ठीक है चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में तब तक के लिए बाय बाय सभी को शुभ रात्रि